तो देखिए बेटा, आई एम कंटिन्यूइंग। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करके इसके और कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। शाबाश। देखिए, डीवी की इंटीग्रेशन वी लिमिट्स है वी ए टू वी बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम आर ए टू आर बी, ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इधर अपर लिमिट वी बी आएगा, लोअर लिमिट वी ए आएगा। वी बी क्या है? पोटेंशियल एट बी। वी ए क्या है? पोटेंशियल एट ए। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाहर, इंटीग्रेट फ्रॉम आर ए टू आर बी 1/r² dr। ठीक, इट इज हियर वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? आप अभी इंटीग्रल ऐसे ही रखेंगे, आर को ऊपर ले आएंगे, बट इंटीग्रेशन फ्रॉम आर ए टू आर बी। ठीक, कंटिन्यूइंग द इंटीग्रेशन हियर, कंटिन्यूइंग द इंटीग्रेशन हियर, ये आएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसकी इंटीग्रेशन -2+1 आर ए टू आर बी। तो ये इधर बनेगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर रेज पावर -1/-1 आर ए टू आर बी। ये माइनस बाहर आकर इस माइनस को प्लस कर देगा। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ए टू आर बी। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये नीचे आएगा 1/r लिमिट अभी ऐसे। ठीक है, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है एंड यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट सच मैथमेटिक्स स्टेप्स। सो मूविंग अहेड, मूविंग अहेड क्या बनाइए? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। पहले अपर लिमिट 1/rb - 1/ra। देखिए बेटा, इधर व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माइनस ऑन बोथ साइड्स आउट। आई विल कीप इट वी ए माइनस वी बी। वी ए बिकॉज ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। यहां से भी हम माइनस को बाहर करके 1/ra- माइनस बाहर, ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैन। वी ए माइनस वी बी इज पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस नेम इट वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/ra - 1/rb।
ये मुझे निकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फेरिकल प्लेट्स। अब यहां पे आपको बड़े ही गौर से यहां पे देखना है। बिल्कुल, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? तो यहां देखिए बेटा, अब आपके पास v है। अब यहां पर अगर हमारे पास v है तो हम आराम से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस है ना चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज स्टोर्ड इज क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दीजिए जो आपने अभी इवैल्यूएट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r a - 1/rb। क्यों और क्यों कैंसिल, सी क्या बना, ऊपर बचा 1, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r a - 1/rb। आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी रख सकते हैं, बट आई विल मेक इट इन अनदर फॉर्म, दिस ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर्म फॉर अस। देखिए सी बना 4π ε0 ऊपर, नीचे 1/r a - 1/rb। दिस इज अ कैपेसिटेंस। सी अगेन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, एप्सिलॉन डायमेंशन एंड मीडियम। व्हाट इज आर ए, आर ए है ना रेडियस ऑफ स्फीयर ए। आर बी क्या है, क्या हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, पहले इनर स्फीयर का रेडियस माइनस आउटर स्फीयर। आर ए इज रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, आर बी इज रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब आप इसको बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, देखिए गौर से, ठीक? एक फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू, वी कैन पुट इट लाइक दिस, सी इज इक्वल टू 4π ε0 आर ओ एलसीएम, नीचे सीधे एलसीएम, आर ओ माइनस आर आई, आर ओ इंटू आर आई, तो ये 4π ε0 ये ऊपर आएगा आर ओ आर आई डिवाइडेड बाय आर ओ माइनस आर आई। व्हाट इज आर ओ, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर। व्हाट इज आर आई, रेडियस ऑफ इनर स्फीयर। दिस इज द अनदर वे टू एक्सप्रेस द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला आया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसमें क्या फॉर्मूला आया, तो इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड है आउटर रेडियस और इनर रेडियस पर और साथ साथ मीडियम पर। हैव यू गॉट इट? अब मैं इधर दो इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने जा रहा हूं, तो अब बड़े गौर से यहां नजर रखेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई थिंक दैट विल कम इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो।